मेरा नाम एस एन सरदार है और डाइस फेलोशिप प्रोग्राम का मैं फोकस पर्सन हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट पेशावर. वैसे तो मैं इन ट्रेनिंग्स और स्पेशली मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि इनका कोई आउटकम नहीं निकलता, लेकिन डाइस फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ब्रिटिश काउंसिल और स्कूल ऑफ लीडरशिप का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है और इसकी बेहतरीन बात यह है कि ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्टार्टअप्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मार्केट में बैठे हुई बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करें, उनके साथ अपने इश्यूज डिस्कस करें और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपने बिजनेसेस ग्रो करें. और यहाँ आता है मेरा रोल. मुझे यहाँ इनवाइट करने का मकसद व्लॉग बनाना नहीं था बल्कि इन स्टार्टअप्स को मार्केटिंग सिखाना था. अब ये सुनने के बाद आपको बेशक ये लग रहा होगा कि ये मूंग और मसूर की दाल, इसलिए मैं सबूत अपने साथ लाया हूँ. काफ़ी सेटिस्फाई हैं आज क्योंकि आज मेंटोर्स जो आए थे उन्होंने जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और उन्होंने जो हमें आइडिया दिए वो मोस्ट रिलेवेंट आइडियाज थे. बट आई लाइक अबाउट इट इज दैट आई गॉट चांस टू इंटरेक्ट विद द बिजनेस इज वन टू वन. तो इंशाल्लाह हम लोग BIC में भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस चीज़ को हम लोग वो कर सकें कि लोग जो हैं इससे फ़ायदा ले सकें. खैर ये तो था इनका एक्सपीरियंस, लेकिन सिंस आई एम टोटली इन लव विद एंटरप्रेन्योरशिप, समथिंग दैट रियली मेड मी फील गुड वाज दी स्टार्टअप्स जिनसे मैं मिला. किसी ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई हुई है तो कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, लेकिन इन बॉयज से मिलकर तो मज़ा ही आ गया. इन्होंने लर्निंग विद फन का क्या उम्दा तरीका निकाला है कि बच्चे अब खेलते खेलते मैथ सीख सकते हैं. So hats off to all the organizers and all the startups for making me a part of this event. और इसके अलावा अगर आपको कोई details चाहिए हो तो I'll put the link in the description below so you can get in touch with these guys. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.